नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर, सप्तमी का दिन। आज हम निकले हैं श्री 1008 मूल नारायण मंदिर शिखर, जहाँ नौलिंग देवता का मंदिर है। शिखर मंदिर यहाँ से हमारे गांव कराला महर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। हम निकले हैं, मेरे साथ हैं कैलाश दा, नवीन भाई और मैं। हम तीन लोग पहले शिखर की ओर जा रहे हैं। शिखर में हम रात्रि विश्राम करेंगे, उसके बाद हम भनार की ओर जाएंगे, भनार से हम सनगाड़ की ओर। निकले हैं शिखर की ओर। ये है चढ़ाई, 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ चुके हैं। ये हमारे साथ हैं नवीन भाई, एक्स आर्मी। अभी हमने 5 किलोमीटर चढ़ाई और चढ़नी है। ये यहाँ से हम आए, ये खतरनाक जंगल। जंगल और बिल्कुल हिली एरिया, ये जाना है हमने सीधे चढ़ाई। ये हैं कैलाश दा, नोएडा वाले। हेलो। ये हम लगे हैं, ये चढ़ाई है, इस चढ़ाई से हम जाएंगे। रास्ते की बना फोटो एक। तुम्हारी तो ठीक था, एक बार शिखर में बड़वाजी में करी का सत्तर नौ बटी मैं कहीं आज से बढ़िया इनकी होती रहती थी कथाएं इनकी। हाँ, ये गुरुदाइल बहुत है, इनकी कथाएं बहुत होती। ये आपके सामने जो फल दिखाई दे रहा है, ये हिमालय के सीमावर्ती इलाकों में उत्पन्न होने वाला एक लीची टाइप का एक प्रजाति का एक फ्रूट है, जिसका स्वाद बिल्कुल लीची की तरह बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल होता है, जो हमारे दिमाग के उपचार के लिए सबसे बेहतर दवाई है, जिसका हम इस तरीके से इंजॉय लेंगे। पहाड़ी में क्या बोलते हैं इस फ्रूट को? बमौर, इसका पहाड़ी नाम है बमौर, जो सेम लीची की तरह होता है। देखिए कितना मजेदार फ्रूट है। थैंक यू। फैमिली को कभी नहीं तोड़नी है बेचारे, कोई तो खाएगा। इन वृक्षों को लगाना चाहिए यार। यह है लीची बमौर। बमौर कहाँ मिलेगा बताओ, ये कहाँ, पता नहीं कितनी भयंकर औषधि होती होगी ये। ये हम पहुंच चुके हैं भगवंदा बुंग नामक जगह पर। यहाँ से एक रास्ता शिखर मंदिर की ओर जाता है और एक रास्ता भनार बंजारण मंदिर की ओर जाता है। यहाँ पर से ये रास्ता जाता है शिखर को और ये नीचे वाला रास्ता जाता है भनार को। जितनी यहाँ से भनार की दूरी है, उतनी ही यहाँ से शिखर की दूरी है। लगभग 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है मूल नारायण मंदिर और नीचे उतना ही बंजैन का मंदिर है। यहाँ से रह गया है लगभग 1 किलोमीटर दूर शिखर का मंदिर। ये चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं। ये नीचे से आए हम।
इसी यूट्यूब से यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर ये चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, वो नीचे से आए इस रास्ते से जाएंगे हम सीधे ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ से रह गया लगभग आधा किलोमीटर शिखर मंदिर, ये चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं। सात साढ़े सात किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं चढ़ाई। ये है शिखर मंदिर का एंट्रेंस गेट, ऐसे हम आए ये सीढ़ियों से ऊपर, ये हिमालय का व्यू लेके विहंगम दृश्य। ये है शिखर श्री 1008 मूल नारायण मंदिर। यह है मंदिर से 400 मीटर नीचे गुफा, जहां से मंदिर के लिए पानी ले जाया जाता है। ये सीधी सीधी चढ़ाई है, जिससे जिस रास्ते से हम मंदिर के लिए पानी ले जा रहे हैं, यहां से लगभग अब 300 मीटर ऊपर है मंदिर। ये सीधी चढ़ाई है स्ट्रेट, यहां से आए हम। ये देखें, ये वो नीचे, यहाँ से लगभग 100 मीटर नीचे गुफा है, जहाँ से मंदिर के लिए पानी आता है। ये बाल्टी मैंने पकड़ी थी, घड़ा फौजी भाई ने पकड़ी थी। अब मैं इतना थक चुका हूँ कि फौजी भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने बाल्टी भी घड़ा भी दोनों पकड़ा तो यहाँ तक पहुँचा दिया। ये यहाँ से अब 200 मीटर दूर रह गया है मंदिर, ये फौजी भाई पानी लेते हुए काफी जोश में, कोई थकान नहीं है इनको। और ये इस बाल्टी को मैं ले जा रहा हूँ, ये देखिए, ये स्ट्रेट चढ़ाई है, वो फौजी भाई वो ऊपर पहुंच गए। ये देखिए, यहाँ से आए हम, वो नीचे से। कैलाश दा ऊपर लकड़ियां ढूंढ रहे हैं खाना बनाने के लिए, और हम दोनों पानी के लिए नीचे आए हुए हैं। चलो फौजी भाई, जोश और दिखा दो एक 200 मीटर का। मैंने स्विच ऑफ कर दिया था ना, तब जाके थोड़ा बड़ा यार। कल हमने शिखर मंदिर में विश्राम करने के बाद अभी मॉर्निंग में पूजा पाठ करके हम यहाँ से निकले हैं भनार की ओर। भनार यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर नीचे डाउन में है, ये हम पहुँच चुके हैं भनार।
कल हमने भनार पंजण मंदिर में रात्रि विश्राम किया। अब हम तैयार हो चुके हैं सनगाड़ नौलिंग मंदिर की ओर, जहां आज नौमी का मेला लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं सनगाड़ नौलिंग मंदिर में, यहाँ पर आज मेला लगता है। ये मेरे साथ है मेरा भतीजा, जो कि गांव से सीधे दादी चाची इन लोगों के साथ यहाँ मंदिर में आया।